हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों से मैंने कोई भी पोएम आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी लेडीज़ को करवा चौथ की बहुत ही हार्दिक बधाई। सबने बहुत इंजॉय किया होगा। इस समय तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, अभी जल्दी ही दीपावली भी आने वाली है। और इस समय लेडीज़ के बारे में क्या बोलना, तो बहुत सारी शॉपिंग वगैरह चालू है सबकी, सब लोग कर ही रही होंगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कुछ पोएम आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, चाहे वो मैंने खुद की इन्वेंट करी हो, चाहे मैंने खुद उसको लिखा हुआ हो, चाहे किसी भी राइटर की पोएम हो। हमारे देश की एक बहुत ही महान लेखिका हुई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जानता ही होगा। आई थिंक उनका नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही महान, बहुत ही सुंदर रचना है, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे उन्होंने ये रचना की थी। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उस टाइम हमारे देश के क्रांतिकारी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे यत्न कर रहे थे। उसी टाइम पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत संघर्ष किया था अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उनके उन अथक प्रयासों को, उनके संघर्ष को बहुत ही अच्छी पंक्तियों में सजोया है। तो अगर हम लोग अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उन वैसी पोयम को पढ़ के हम समझ तो सकते हैं कि हम लोग आज इतना सुकून से अपने घरों में बैठे हैं, बहुत ही सुकून से रह रहे हैं। हम लोगों को इतनी मतलब आज़ादी जो देखने को मिल रही है, वो किसकी बदौलत है? जो हमारे देश के बहुत महान महापुरुष हुए, जो बहुत सारी क्रांतिकारी औरतें थीं जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उसकी बदौलत आज हम लोग बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति से बैठे हैं। हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम उन कविताओं को कभी कदार सुने भी और बच्चों को भी सुनाएं, ताकि उनके मन में एक अपने राष्ट्र के लिए एकता की भावना जागृत हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। कहते हैं धर्म और हर चीज़ से ऊपर है, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो हर चीज़ से ऊपर है, हर सर्वोपरि है वो। आप कोई भी धर्म हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी कुछ भी है, हर चीज़ से ऊपर जो है वो राष्ट्रवाद के लिए प्रेम होता है। अगर आप अपने राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, अगर आप अपने देश के लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ सहयोग देते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो गया। सुनिएगा इस पोयम को, और अगर आपको अच्छी लगे, अच्छी तो ये है ही, बट अगर आपको मेरे द्वारा जो मैं सुना रही हूँ, अगर वो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सुनिएगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरसी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुगट बुंदेलों की बिरुदावल सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर साया। राज्य हड़प करने की उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छिना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर में का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था वज्रनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी।